एक अजरक, सिंधी अजरक और टोपी वो हदिया की जा रही है असातजा किराम के दस्ते मुबारक से। जिस तरतीब से अबनाउल जामिया तशरीफ़ फरमाया है, इसी तरह से पांच पांच साथी आ जाएं और आपने असातजा किराम से ये अजरक और ये समझें कि आपकी दोबारा से दस्तारबंदी हो रही है, तो आप तशरीफ़ लाएं। जिस तरतीब से तशरीफ़ फरमाया है इसी तरह से आते जाइए। शेख फैज़ल अबरार साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ। हाँ, जामिया के हमारे अच्छा शेख अबू नुमान बशीर साहब, अबू नुमान बशीर साहब, शेख अताउल्लाह साजिद साहब, इनको जो है वो टोपी और ये अजरक पहनाएंगे। अबू नुमान बशीर साहब, खैर जिस तरतीब से हैं इसी तरह साथी जो है वो इस तरह से आ जाएं ताकि देर ना लगे। पांच पांच साथी जो है ना वो तरतीब से आए, सिर्फ पांच पांच साथी। हाफिज़ अब्दुल वहीद अनवर साहब, शेख अबू उमर फारूक साइदी साहब, हाफिज़ अब्दुल वहीद अनवर साहब, बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं भाई हाफिज़ अबैदुल्ला साहब, भाई हाफिज़ अबैदुल्ला साहब, शेख हाफिज़ मसूद आलम हाफिज़ाहुल्लाह ताला, उनसे दरख्वास्त है भाई हाफिज़ अबैदुल्ला साहब, मोहतरम भाई अब्दुस्सत्तार आसिम साहब, शेख खलील रहमान साहब से दरख्वास्त है। शेख साहब पहनाएंगे टोपी, शेख खलील रहमान साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला, अब्दुस्सत्तार आसिम साहब को जज़ाकुमुल्लाह खैर बारकल्लाह फीकुम। तो अहबाब जो है वो तशरीफ़ रखें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप तक जो है वो ये टोपी और अजरक आप तक यहीं बैठे हुए पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम जो है ना वो असातिज़ा किराम से दरख्वास्त करेंगे कि वो भाई डॉक्टर अब्दुल हई मदनी हाफिज़ाहुल्लाह ताला को टोपी जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मोहतरम उस्ताद फजीलत शेख अताउल्लाह साजिद साहब पहनाएंगे। भाई अब्दुर्रहमान शेख डॉक्टर अब्दुल हई मदनी साहब को टोपी और अजरक शेख अताउल्लाह साजिद साहब पहना रहे हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब्दुर्रहमान साकिब साहब को अजरक और टोपी हाफिज़ मसूद आलम हाफिज़ाहुल्लाह ताला, डॉक्टर अब्दुर्रऊफ साहब को, शेख फारूक कसूरी साहब को, शेख साहब जो है वो अजरक और टोपी पहना रहे हैं, मोहतरम हाफिज़ गुफरान साहब, शेख साहब उनको टोपी और अजरक पहना रहे हैं, तो लखबत आ जाए मैं नाम ही ला रहे हैं। हाँ, शौकत हयाज साहब को, भाई शेख बशीर साहब को अजरक और टोपी का हदिया जामिया अबी बकर की तरफ से हदिया तस्कारी है इंशाल्लाह। मोहतरम भाई यूसुफ ज़िया साहब, प्रोफेसर यूसुफ ज़िया साहब, भाई हमारे जो साथी बहुत ज़्यादा साथ हैं वो थोड़ा सा
जगह दें ताकि यहाँ अब जो वीडियो बन रही है, चूँकि एक तस्कारी है, मैं दरख्वास्त करूँगा ये साथी जो है ना वो बहुत ज़्यादा झमघटा ना करें शेख साहब के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बस जिनको पहनाई जा रही है वो नज़र आएँ, शेख साहब जो है वो हाफिज़ साहब पहना रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई अतीक साहब को शेख साहब ने टोपी और अजरक का तोहफ़ा दिया है। भाई नसीम सहर साहब, जज़ाकुमुल्लाह। हाफिज़ अम्मार साहब शेख उमर फारूक सईदी साहब के फर्जंद अर्जमंद हैं। शेख माज साहब, जिनको एहतराम से लाला माज कहा जाता है। भाई हक, भाई अल्लाह नवाज साहब नवाबशाह से। भाई सदाकत साहब, हमारे मोहतरम भाई जकरिया तैयब साहब। अहबाब तशरीफ रखें, अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। मैं डॉक्टर अब्दुल हई साहब से भी कि वो यहीं तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह नमाज़ ज़ुहर के बाद यहाँ खाने का एहतमाम है और दावत कबूल करना ये मसनून है जी, इंशाल्लाह आएंगे। तो साथी जो है यहाँ तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह गदा तनावल फरमा के जाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और शेख अबू अब्दुल मजीद साहब का अभी कलमा तशक्कुर भी है, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम मुदीर तालीम जनाब हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसैन लखवी साहब, उनको भी हमारे शेख मोहतरम हाफिज़ मसूद आलम साहब ने टोपी और अजरक का वो तोहफ़ा जामे की तरफ से पेश किया है। भाई रफ़ी खुशाबी साहब, भाई महमूद साहब और मोहतरम अलामा इशफाक साहब, शेख साहब ने इन सबको अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश किया है। डॉक्टर रफ़ी साहब, शेख साहब उनको टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम भाई अब्दुल वहाब साहब, जो ख़ास तौर पे हमारे भाई अब्दस्तार आसिम साहब के बरदर हकीकी हैं, तशरीफ़ लाए हैं, उनको टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। मोहतरम अरशद भाई फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनको टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये मैं दरख्वास्त करूँगा साथियों से कि झमघटा ना करें ताकि यहाँ से बिल्कुल डॉक्टर एजाज फारूकी साहब को शेख साहब ने तोहफ़ा दिया है, और हमारे मुजफ्फर भाई साहब उनको टोपी शेख साहब पहना रहे हैं। कारी अफजल साहब, कारी अफजल साहब शेख साहब उनको अजरक और टोपी का तोहफ़ा दे रहे हैं। भाई
तैयब ताहिर साहब, शेख साहब अपनी मोहब्बत से उनको टोपी और अजरक का तोहफा दे रहे हैं। अब नाउल जामिया के लिए जामिया अबी बकर की तरफ से ये हदिया है, तस्कारिया। भाई अब्बास साहब, अब्बास ठठियाला साहब, उनको अजरक और टोपी का तोहफा शेख साहब ने पेश किया है। मोहतरम भाई हबीब रहमान साहब जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और इस्लामाबाद में सफारत खाना सऊदी अरब से ताल्लुक़ है इनका, जॉब के सिलसिले में उनको तोहफ़ा पेश किया है शेख साहब ने। भाई एहसानुल्लाह साहब जो दुबई से आए हैं, शेख हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब और शेख ज़ियाउर रहमान साहब क्लास फेलो हैं। भाई रफ़ीक असरी साहब अबू नुमान साहब के क्लास फेलो हैं और अब्दुर्रहमान आबिद साहब जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज़्यादा मेहनत की, और हमारे कारी महमूद अल हसन हाफिज़हुल्लाह ताला कदीम अबनाल जामिया में से, मोहतरम भाई मुजीबुर रहमान साहब ख़तामहु मिस्क, शेख साहब उनको अपने दस्ते शफकत से टोपी और अजरक का तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा व बारकल्लाहु फीकुम। अभी शेख इब्राहिम तारिक साहब के जो है ना वो इशार बाकी हैं, और ख़ास तौर पे श्रीलंका और अफ्रीकी ज़बान में जो तकरीर किया करते थे वो भी हमने सुननी है इंशाल्लाह। और जज़ाकुमुल्लाह, कलेमा तशक्कर के लिए अबू अब्दुल मजीद साहब से दरख्वास्त है कलेमा तशक्कर के लिए। ये भाई इब्राहिम तारिक साहब से जो शेर सिंध हैं और खुशगुलू हैं इस लिहाज से बुलबुल सिंध हैं, तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इशार पढ़ें। जनाब इब्राहिम तारिक साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अरसे के बाद अपने असाज़ा से और अपने साथियों से अल्लाह ताला ने मिलने का मौका अता किया। मुझे आज तक भी वो बात याद है, हम छोटे थे और जामिया में पढ़ने के लिए आए थे, तो उस वक़्त मुझे वो सिंधी के शेर कुछ याद थे जिनको मैं पढ़ा करता था। एक दिन जामिया की मस्जिद में एक प्रोग्राम था, मैं जब ये शेर पढ़ के आया तो हमारे मुशफिक मुरब्बी शेख मोहतरम अताउल्ला साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला सामने बैठे हुए थे, और मैं अपनी ज़िंदगी में वो बात नहीं भूला हूँ, एजाज़ समझता हूँ उस बात को। शेख साहब ने जब वो मिठो मिठो वाले शेर सुने तो मैं करीब आया तो कहने लगे फिर मैं मुंह चूम लूँ आपका। अल्लाह अकबर, मुझे आज तक वो बात याद है। और मैं तन्हाई में भी दुआ किया करता था शेख, जब भी मैं किसी जलसे में गया हूँ और इन शेरों को लोगों ने बहुत सुना, उस वक्त मुझे शेख साहब याद आते। मैं कहता यार वो क्या वक्त था, क्या टाइम था, हमारे साज़ा हमारे साथ इतना मोहब्बत और प्यार वाला मामला करते थे। शेख साहब फिर कुछ शेर ऐसे हैं जिनको मैंने मज़ीद तैयार किया है,
अगरचे सिंधी के हैं और वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह उन जगह पे मकबूल हुए, बल्कि ये एक हफ्ता पहले जूही का एक इलाका है दादू से आगे, वहाँ पे हमें तो पता नहीं था, एक बरेलवी जो के बड़ा पढ़ा लिखा था उसने बड़े सवाल तैयार किए हुए थे, तो वो अहले हदीस का जलसा सुनने के लिए आया, कहते उसके नज़दीक हम बड़े गुस्ताख लोग हैं। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोग्राम हुआ तो उसके पास जो पर्चा था ना, लोगों ने कहा कि आप सवाल करें, कहता है नहीं, अब मुझे हया आ रही है कि मैं इससे अब क्या सवाल करूं। इसने इस अंदाज से बयान किया है कि हमारे मौलवी भी इस तरह नबी अलैहिस्सलाम की अजमत को नहीं बयान करते, और मैं ये शेख साहब की वजह से सुना रहा हूँ। एढ़ो ना गुलन जो चमन डिठो आ, जिए अब्दुल्ला जो मिठो डिठो आ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एढ़ो ना गुलन जो चमन डिठो आ, जिए अब्दुल्ला जो मिठो डिठो आ, पुछे पुछे सोने के मालक बनायो आ, हसीनन जो उसन रब हिन ते खुटायो आ। एड़ो ना मजग में हुसन डिठो आ, जिए अब्दुल्ला जो मिठो डिठो आ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रीस कस तूरी ना है सोने जे पसीने जी, रीस जग में ना है मक्के मदीने जी, महकंदड़ कुल बदन डिठो आ, जिए अब्दुल्ला जो मिठो डिठो आ। रेशम मलायम सोने जीओ तरियो, करण मुकाबलो न गुल कलियो, एड़ो ना मलाई ते मखण डिठो आ, जिए अब्दुल्ला जो मिठो डिठो आ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ हमारे असाज़ा की मोहब्बत तो अपनी जगह, मुझे अभी तक याद है हाफ़िज़ यहया मीर मुहम्मदी रहमहुल्लाहु ताला, वो यहाँ पे कुरान करीम की तफसीर तस्जील कराते थे, तो मुझे ऊपर ले जाते, कहते आप ये पढ़ो मैं इसे लिखता हूँ अपने हिसाब से। फिर आप साहब ने एक एक लफ्ज करके उन शेरों को याद किया, जिन शेरों की वजह से शेख साहब हमसे शफकत करते थे। मुझो मुस्तफ़ा पाक पदरो लखन में, जिए गुल गुलाबी आ सोहणो गुलन में, हशर वेले हुंदा समे राज राणा, मुहम्मद मिठो मां परे खो सुजाणा, हुंदस छुटकारे जो झंडो हथन में, मुझो मुस्तफ़ा पाक पदरो लखन में, जिए गुल गुलाबी आ सोहणो गुलन में। सारी चीज़ें नहीं सुना रहे, थोड़ा थोड़ा जायका। मैं किसी ने मुझे कह दिया कि आप ना टाइम बहुत हो गया, एक बात है शेख साहब की वजह से कि आप जामे सितारिया में जाके ना उर्दू में बुखारी पढ़ें। तो मैं शेख साहब के पास हाफिज़ मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं इनके पास गया, मुझे कहने लगे नहीं इब्राहिम, तूने मौलवी हमारे पास ही बनना है, आपने यहाँ से नहीं जाना। और शेख साहब तो अब भी हम शेख साहब के साथ 24 घंटे होते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है हमारे साजा की अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए। वापसी भी आके मदीना मुनव्वरा से जो शेख साहब की शफकत है उमर फारूक सईदी साहब की, वो भी याद है। और हमारे शेख साहब ने चेहरा छुपाया हुआ है अबू अब्दुल मजीद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ये तो जानबाज की हम ट्रेनर करते थे और बाबा जी साथ होते थे उस वक़्त के वक़्त में भी हम याद रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस चमन को और आबाद फरमाए, और हमारे भाई ज़ियार रहमान साहब की अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए। कलमा तशक्कर से पहले जो है वो हमारे शेख ज़ियार रहमान साहब के लिए अजरक और टोपी है शेख हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह खैर।
मोहतरम फजीलत शेख ताहिर आसिफ साहब के लिए भी टोपी और अजरक है। बकीयतुस्सलफ़ फजीलत शेख हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़ाउल्लाह से गुजारिश है कि वो उन्हें पहनाएं। असातिज़ा कराम हमारे तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए शील्ड्स हैं जो मैं भाई ज़ियाउर रहमान हफ़िज़हुल्लाह ताला से दरख्वास्त है ये तरतीब से। मोहतरम उस्ताद मोहतरम शेख खलीलुर रहमान लखवी हफ़िज़हुल्लाह ताला के लिए एक तस्कारी शील्ड है। भाई ज़ियाउर रहमान साहब जामे की तरफ से उस्ताद मोहतरम शेख खलील रहमान लखवी हफ़िज़हुल्लाह ताला। मोहतरम उस्तादन अल करीम शेख अताउल्ला साजिद हफ़िज़हुल्लाह ताला उनके लिए शील्ड है। अबू अम्मार उमर फारूक सईदी हफ़िज़हुल्लाह ताला उस्तादन अल करीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे मोहतरम उस्ताद अबू अब्दुल मजीद साहब अबू अब्दुल मजीद साहब शेख हाफिज़ मसूद आलम हफ़िज़हुल्लाह ताला शील्ड पेश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अनाम अल्लाह अलैकुम बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहसन अल जज़ा। तमाम असातिज़ा किराम के लिए भी अजरक और टोपी का तोहफा है जो दरख्वास्त है अबू अब्दुल मजीद साहब से। मोहतरम अताउल्ला साजिद साहब ये अजरक और टोपी ऐसे ही दे दीजिए, ऐसे ही दे दीजिए टोपी सामने रखते हैं। अच्छा अच्छा शेख उमर फारूक सईदी साहब के लिए जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम शेख खलीलुर रहमान साहब के लिए शेख इफ्तिखार शाहिद हाफिज़हुल्लाह ताला उनके लिए टोपी और अजरक। भाई फैज़ल अबरार साहब डॉक्टर फैज़ल अबरार साहब डॉक्टर फैज़ल अबरार साहब उनके लिए अजरक और टोपी। जज़ाकुमुल्लाह खैर बारकल्लाह। मकबूल साहब को मिली है टोपी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई शाहिद नजीब साहब अच्छा कलमा तशक्कुर के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम उस्ताद अबू अब्दुल मजीद। मुख्तसर कलमा तशक्कुर है इंशाल्लाह। नमाज़ ज़ुहर इंशाल्लाह इसी के ऊपर जो दूसरा हाल है उसमें होगी और खाने का इंतज़ाम इसी यहीं पर होगा इंशाल्लाह। नमाज़ ज़ुहर के बाद ऊपर जो है वो शेख ज़फ़रुल्लाह सेमिनार हाल
रहमहुल्लाह ताला उनके नाम से जो हाल है मंसूब, उसमें अभी नमाज होगी और नमाज की अदायगी के बाद इंशाल्लाह गदा जो है वो यहाँ इसी जगह पे होगा इंशाल्लाह मस्जिद में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अबू अब्दुल मजीद साहब कलमा तशक्कुर के लिए।